अरे भाई साहब क्या बढ़िया खुशबू है कड़ी की। ये है चटनी, ये है चटनी आपकी पुदीने की। हाँ जी, इसी का गिलास 10 रुपए का है, पैसे मैं लूं या ना लूं वो आप, ये मेरी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो आज हम है जी पंजाब में सरहंद में जी, और हमारे साथ यहाँ पर है जी सरदार जी, जो कि बनाते हैं बहुत ही बढ़िया पंजाबी खाना जी। तो आइए दिखाते हैं जी आपको। सरदार सत श्री अकाल। सर जी सत श्री अकाल। भाजी सरदार जी की हुंदा जी आपां को? मेरे को बेटा देखो साग है। ओए होए भाई साहब ये है साग। साग वाह जी बड़ा बहुत अच्छा। ये आप खुद ही बनाते हो जी डेली? बिल्कुल फुल बनता डेली। वाह जी वाह। ये कड़ी है। अच्छा ये होगी आपकी कड़ी। अरे भाई साहब क्या बढ़िया खुशबू है कड़ी की। कड़ी लाजवाब जी लाजवाब। और ये मक्खन है। अच्छा जी ये घर का निकाला हुआ मक्खन? अभी चिट्टा मक्खन है, ये खत्म हो गया एक डोंगा। अच्छा अच्छा, दूसरा डोंगा उसमें पड़ा है। वाह जी वाह बहुत खूब जी। ये चावल है। अच्छा ये आपके चावल? बासमती चावल। वाह जी वाह क्या प्यारे खिले खिले चावल है, मजेदार। ये है चटनी। ये है चटनी आपकी पुदीने की? हाँ जी। अच्छा ये होगा मीठा अचार? नींबू का? नींबू का अचार। अरे भाई साहब काला अचार है, काला ब्लैक। वाह जी वाह, ये तो मैंने पहली बार देखा था दादाजी, नींबू का अचार दे रहा कोई मीठा ब्लैक। अब वाह जी वाह। ये देखिए आम का अचार। ये भी आम का अचार भी आप खुद हो सारे? बिल्कुल सारा होममेड, सब कुछ आप खुद बनाते हो? वाह जी वाह बहुत। कोई चीज नहीं है, बहुत खूब जी। इसके अलावा अपने पास और राजमा वगैरह भी है? मिर्च का नहीं है, राजमा नहीं है। अच्छा खत्म। ये अदरक का अचार है। अच्छा ये अदरक का अचार, ये भी डालते हैं। वाह जी वाह, मतलब तीन चार तरह के अपने चार चटनी रखी हुई है। चार प्रकार का नहीं, पांच प्रकार का अचार है। अच्छा पांच तरह का। मिर्च का अचार मेरे पास अभी खत्म हो गया। ठीक है जी ठीक है। दूसरा मेरा अचार मैंने डाला हुआ है। ठीक है जी, तैयार हो चुका है। अच्छा जी, थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा। आपके सामने ये सिरका है, असली सिरका डालता हूँ, फ्रूट का सिरका है, जामुन सिरका। लोग हाँ, लोग 20 रुपए की बोतल यूज करते हैं जी जी, मैं 160 रुपए वाली यूज करते सिरके की बोतल। वाह जी वाह बहुत। और इसका टेस्ट देखिए, बहुत शानदार टेस्ट होता है। वाह जी वाह, सेहत के लिए जी जी लाभदायक। अच्छा ये हो गया आपका सिरका। वाह जी, और ये हो गया खुशबू देखो। अरे भाई साहब बड़ी स्ट्रांग खुशबू इसकी। वाह जी, कोई हर कोई ईमानदारी से दुकानदारी नहीं चला सकता। ठीक है जी, यहाँ ईमानदारी के बगैर कुछ है जी जी। ये मक्की की रोटी। वाह जी वाह, मक्की की रोटी है। वाह जी, बड़ी प्यारी प्यारी रोटी है। सबको गरम करके देते हैं। अच्छा ये आप तवे पे यहाँ गरम कर देते हो? हाँ जी बिल्कुल, बहुत तवी है। और सर जी मुझे ये बताइए सरदार जी, अपना इसका रेट क्या है मक्की की रोटी और साग का? मक्की की रोटी साग का इस समय मेरा रेट चल रहा है पिछले 3 महीने से 100 रुपए थाली। 100 रुपए थाली। ठीक है जी, उसके भी तीन रोटी साथ में? तीन रोटी खा ले, कोई चार खा ले। अच्छा रोटी खा ले, पांच रोटी भी देता हूँ। वाह जी वाह, मतलब जाके बेचते हो जो आ जाए आपके पास? मतलब संतुष्टि होनी चाहिए किसी की। जी जी जी। लस्सी का गिलास 10 रुपए का है, पैसे मैं लूं या ना लूं वो आप, ये मेरी मर्जी पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, अच्छा मतलब पैसे के लालच नहीं है? 10 रुपए का। ठीक है, लूं या ना लूं वो आपके साथ, वो मेरी मर्जी। चलिए चलो एक थाली हमारे लिए भी लगाइए फिर। थाली आपकी तैयार है। जी जी, ये आ गया जी सबसे पहले इसके बीच साग, और ये देखे जी ये जा रहा है जी इनका व्हाइट मक्खन। वाह, ये आपका सिरके वाला प्याज प्याज है। वाह जी, और ये आपका अम्बी का अचार अचार है। बहुत, और ये आपकी आ गई पुदीने की चटनी, और ये आपका अदरक का अचार। अरे भाई साहब यहाँ पे आप देख लो, अदरक का अचार इतना टेस्टी है जी जी, आप ये सोचोगे अब आम का अचार खाऊं, चटनी खाऊं, अदरक अचार खाऊं। वाह जी वाह, सब कुछ खाऊं। हाँ, ये नींबू। ठीक है जी, ये होगा नींबू, नींबू का काला। हाँ जी, ये आगे जी साथ में रोटी, दो रोटी, और ये होगी जी हमारी थाली तैयार। वाह जी वाह सरदार जी, एक बार ना लोकेशन समझा दो आपके पास आना चाहिए। मुझे बागड़ा नहर है, सरहंद नहर भी बोलते हैं जी जी, लुधियाना से अम्बाला की तरफ जाते हुए जी जी, लुधियाना से 59 किलोमीटर है जी जी, 59 लुधियाना से ये 59 किलोमीटर पे मैं खड़ा हूँ। ठीक है जी, फुल पार करके। वाह जी, सरहंद से 5 किलोमीटर पहले, गोविंदगढ़ से 5 किलोमीटर आगे आगे। ठीक है जी, तो ये है जी हमारी थाली, और ये यहाँ पे है जी बाबा जी का ढाबा। तो आइए करते हैं जी इसकी टेस्टिंग। तो ये है जी यहाँ पे बाबा जी के ढाबे की थाली जी, जिसके बीच है जी सरसों का साग, और आप देख सकते हो तीन चार तरह के इसके अचार चटनी जाती है, और साथ में दो मक्की की रोटी। रोटी मैंने दो ली है, आप चार भी खा सकते हो भाई साहब, पांच भी खा सकते हो। तो 100 रुपये कीमत है जी इसकी। ये है जी बाइट, पहले मैं ऐसे ही लेके दिखा देता हूँ जी। ये है जी साग, और ये है जी बाइट। वाह भाई साहब, एकदम पिंड वाला
पिंड वाला जो साग होता है ना, जिसकी अपनी एक खुशबू होती है, और इतना प्योर साग लग रहा है ना, ऊपर से साग में जो मक्की की रोटी और वाइट मक्खन का कॉम्बिनेशन, ये तो आपको पता है जी पंजाबियों का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो हम आए हुए जी बाबा जी का ढाबा, जब आप सरंद नहर के पास निकलते हो ना, वहाँ पे हैं जी इनका। तो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक करना, और अगर आप भी आना आके खाना चाहते हो तो जरूर खाना जी। तो मिलते हैं वीडियो में, बाय, थैंक यू।